नमस्कार, और आप देख रहे हैं भारतीय बस्ती। उत्तर प्रदेश स्थित बस्ती के रधौली में हसनी ग्राम सभा में गड्ढे पर अतिक्रमण की वजह से बरसात और गांव का पानी किसानों के खेत में जा रहा है। इस पानी की वजह से किसान परेशान हैं और जुताई बुवाई भी नहीं हो पा रही है। इस मुद्दे पर भारतीय बस्ती के संवाददाता ब्रह्मदेव पांडे ने हालात का जायज़ा लिया और लोगों से बात की। यहाँ देखिए पूरी रिपोर्ट। और बस्ती समेत देश दुनिया खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार, भारतीय बस्ती खबर में आपका स्वागत है। मैं रुधौली तहसील के अंतर्गत एक ग्राम सभा पड़ता हसनी, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ग्राम सभा का गड्ढा है जिसपे सभी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। लगभग कम से कम 200 लोगों ने इस पे अतिक्रमण कर रखा है। और अतिक्रमण होने की वजह से जो बरसात के ग्राम सभा का पानी यहाँ इकट्ठा होना था, वो पानी यहाँ ना आ करके आगे निकल जाता है और आगे ग्राम सभा के गड्ढा में वो एकत्रित होता है, और एकत्र हो करके वो ओवरफ्लो हो करके उन किसानों के खेत में जा करके इकट्ठा हो रहा है। जो किसान परेशान हैं, उनकी जुताई बुआई भी नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में मैं ग्राम सभा के कुछ लोगों से बात भी करना चाहा, ग्राम प्रधान जी से भी बात करना चाहा, SDM महोदय से भी बात करना चाहा कि जो ग्राम सभा की ज़मीन है, जो जिसपे ग्राम सभा का अधिकार है, गड्ढे के रूप में इसको होना चाहिए, जिसमें पूरे ग्राम सभा का पानी जो है यहाँ पे कलेक्ट होना चाहिए, जिसकी सौंदर्यीकरण ब्लॉक से होना चाहिए, जिसकी एरिया लगभग 94 एयर है, और 94 एयर की ज़मीन को लोगों ने पाट करके और अपना जो है झुग्गी झोपड़ी और मकान बना करके इसमें रह रहे हैं, जो सर्वथा उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं ग्राम सभा के लोगों से भी बात करूंगा कि ये जो ज़मीन है, ये ग्राम सभा का ज़मीन है, इसे खाली होना चाहिए। मैं वहाँ पे खड़ा हूँ जहाँ पे किसान का खेत पूरे पानी से जलमग्न है। ग्राम सभा का बड़ा गड्ढा है, ये गड्ढे का पानी इनके खेत में जा रहा है। इन्हीं से मैं बात करूंगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? मुख्तार अहमद। मुख्तार अहमद, ये खेत किसका है? हमारा। अच्छा, कितने दिन से पानी भरा उसमें? ये बहुत दिन से भरा है। अच्छा, इसमें कुछ फसल भी लगाए थे? हाँ, धान की। कैसे काटे हो? हसिया से खटिया पे निकाले हैं। अच्छा, पानी ज्यादा भरा हुआ था? ज्यादा पानी भरा है। अच्छा, ये पानी कैसा पानी था? ये गड्ढे से। अच्छा, गड्ढे का पानी आपके खेत में आ रहा था जी। अच्छा, अभी खेत में पानी भरा हुआ है, जुताई आप कैसे करोगे? नहीं हो पाएगा सर, नहीं हो पाएगा। इसकी शिकायत किससे किससे की आपने? हमने बहुत शिकायत किए हैं। हाँ हाँ, दरख्वास्त दिए हैं। हाँ हाँ, अभी तक कोई नहीं आया है। अभी तक कोई वो नहीं हुआ? हाँ। अच्छा, प्रधान जी क्या कह रहे हैं? प्रधान जी कह रहे हैं लग रहे हैं। अच्छा, प्रधान जी कह रहे हैं हम लगे हुए हैं, निस्तारण जल्दी हो जाएगा। हाँ, जल्दी। कितने लोगों का खेत पानी जलमग्न है? कम से कम ये 10 बीघा लगभग होगा। 10 बीघे पानी में, 10 बीघे खेत में ग्राम सभा का पानी भरा हुआ है। भरा हुआ है। खेती करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो रही। चलिए और लोगों से बात करते हैं। आइए नसीम सेठ, आइए इधर आइए। क्या नाम पड़ेगा आपका? मोहम्मद नसीम। मोहम्मद नसीम, इसी गाँव निवासी है जी। जी, कई बीघा खेत है आपका जलमग्न? हमारा 2.5 बीघा है। 2.5 बीघा में पानी भरा हुआ है जी। जी, धान की फसल कैसे काटा आपने? हाथ से काटे हैं। अच्छा, ये कैसा पानी है? गांव का पानी है। गांव का पानी यहाँ तक कैसे आया? एक गड्ढा लोग पाट लिए हैं यहाँ, 94 एयर का एक गड्ढा है। 94 एयर का गड्ढा गांव के बीच में पड़ता है, जिसको लोगों ने पाट लिया है। और उसका पानी अब इसमें आ रहा है जी, जी। जो ओवरफ्लो होकर के आपके खेत में जा रहा है जी। अच्छा, इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की आपने? इसकी शिकायत हम DM साहब के यहाँ किए हैं, कमिश्नर साहब के यहाँ किए हैं, बाबा के पोर्टल पे डाले हैं, योगी बाबा के, और SDM रुधौली को किए हैं, थाने को किए हैं। अच्छा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर ऐसे पानी भरा रहेगा तो आप जुताई कैसे करोगे? ऐसे पानी भरा रहेगा तो 10 बीघा खेत यहाँ नहीं बोया जाएगा। अच्छा जी, तो 10 से 12 बीघा खेत नहीं बोया जाएगा। अच्छा, भुखमरी के कगार पे आप आ जाएंगे? जी, जी जी, बच्चे हमारे क्या खाएंगे, समझ से बाहर। आपका भी खेत है जी? इधर आ लटकन। क्या नाम पड़ेगा आपका? मुकद्दर हुसैन। मुकद्दर हुसैन, आपका कितना खेत है यहाँ? 1 बीघा। 1 बीघा पानी भरा हुआ है? पानी भरा होगा तो हसियत काटे हैं, साफ किए बगैर अब बोना ही मिला। अच्छा, बताइए पानी कैसा पानी है, क्यों पानी लग रहा है? ये गड्ढा का पूरे गांव समाज का पानी इसमें आता है, ये भर जाता है तो उसके बाद जाता है। अच्छा, ये समस्या है, ये पूरे गांव के कम से कम 10 बीघा खेत जो है ग्राम सभा के
गड्ढे का पानी इनके खेत में है, जहाँ पे खेती बाड़ी करने में इनको काफी दिक्कत आ रही है। प्रणाम सर, मैं ब्रह्मदेव पांडे बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ प्रणाम प्रणाम। हाँ पांडे जी, सर वो हसनी वाले प्रकरण में आपके द्वारा किस तरह में कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे बताएंगे? जी जी, उसमें पांडे जी मामला संज्ञान में आया है, ये गंभीर संवेदनशील मामला है, इस पर प्रधान जी से बात हुई, तत्कालिक जो है इसकी इंक्वायरी कराकर जो विधिक कार्रवाई होगी और जो भी उसमें अकॉर्डिंग टू लॉ एक्शन होगा तत्काल कार्रवाई कराता हूँ मैं। ओके सर।